आज से जो है स्टार्ट कर दी। अब खड़े होकर पूछो, आप क्या पूछना? यहाँ आ जाओ। चौक ले लिया, बस अगर क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई ठीक है, आप हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन एग्जाम में हमें पता है या नहीं, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है। एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? एक्स की पावर क्या होनी चाहिए आपकी? नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में भी टू। अगर कोई भी इक्वेशन आपकी पोलोनोमियल होने के लिए, सबसे पहली बात है पोलोनोमियल कब होती है? अगर उसकी पावर नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 कुछ भी, तो वो तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पावर टू है तो ये इक्वेशन आपकी क्या हुई? क्वाड्रेटिक। ठीक है, सॉल्यूशन वैसे ही कर दें जैसे नॉर्मल हम क्या करें, सबसे पहले इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको खत्म करेंगे, रूट टू से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू। ठीक, अब इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, वैसे तो हम क्या करते हैं जब इसको सॉल्यूशन करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टर क्या करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन तो क्या है, रूट टू, और ये एडिशन की और एडिशन भी रूट टू आ जाए, तो कैसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें सीधराचार्य का जो फार्मूला है उसका लिखते हैं। ए इक्वल टू कितना है? रूट टू
बी इक्वल टू कितना है और सी इक्वल टू 1। इस कंडीशन में अगर हम सबसे पहले निकाल लेंगे डी, क्योंकि और तो सारी चीजें आसान है। डी क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है? रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू? रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 रूट 2 आ गया। रूट 2 का स्क्वायर है, हाँ रूट 2 का आपका क्या रहेगा? 2 रहेगा। 2 माइनस 4 रूट 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें, 1 माइनस 2 रूट। अभी देखिए 2 की वैल्यू, 2 और रूट 2 की अगर मल्टीप्लीकेशन करें, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.828 आ जाएगा। और जब 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस क्वांटिटी से ये भी माइनस, सारी माइनस की हो जाएगी। तो उस स्थिति में क्या है, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली अगर m आएगी आयोटा में। आयोटा में करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से 2 माइनस बाहर ले, ठीक माइनस बाहर लेने पे ये क्या आ जाएगा? 2 रूट 2 माइनस 1। क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस 1 5। ये वैल्यू किसकी आई? बी की। तो इसके जो रूट होंगे दोनों, इसके जो रूट्स आएंगे माइनस बी ठीक प्लस माइनस बी आ जाएगा पूरा पूरा 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। यहां से इसमें से अगर हम रूट 2 कॉमन ले, यहां तो रूट 2, यहां क्या बचेगा? माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, इसे रूट के अंदर क्या बचेगा? 2 रूट 2 माइनस 1 आयोटा ठीक है अपॉन 2 रूट 2 रूट 2 से कंसोल कैंसिल अपॉन 2 आ गया। एक बार माइनस 1 प्लस माइनस 2 माइनस 1 ठीक है। Real part of Z1
रियल पार्ट ऑफ जेड को माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, मान लिया जेड वन बराबर ए प्लस आई बी और जेड टू बराबर सी प्लस आई डी। देख सकते हैं दोनों के मल्टीप्लीकेशन करें जेड वन इंटू जेड ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, यही हो गया ना, तो कुछ और हो गया। ठीक है, आप ये इक्वेशन आप फर्स्ट मान लो। नाउ ओम इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ए पर किससे, मान लो ए प्लस आई बी की तरह, ये क्या है रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट, रियल पार्ट किसका है, यही तो है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका नाम है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड वन और जेड क्या होगा, ए सी माइनस बी डी है ना, या तो समझ में आ रहा, ये क्या है रियल पार्ट ऑफ सी, क्या है बी, क्या है रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन, डी क्या है के? केमिस्ट्री की चल रही बात में चल,
एक्स माइनस आई वाई बराबर एक्स माइनस अल्फा वाई अंडर रूट ए माइनस आई बी और सी माइनस आई डी टू दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पहले इसकी जो राइट हैंड साइड की इसको सिंपलीफाई करते हैं, इसमें c प्लस आई डी और c प्लस आई डी भी क्या करेंगे ठीक है, ये होएगा a माइनस आई डी c प्लस आई डी, ये क्या आएगा c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर यानी कि c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सारा है ठीक है। इसके और उसकी मल्टीप्लीकेशन ए सी माइनस बी डी फाइव, लेकिन ये प्लस ठीक है क्योंकि क्या आएगा माइनस आई स्क्वायर बी डी और माइनस और आई स्क्वायर मल्टीप्लाई को प्लस का ठीक है, प्लस आई होगा क्या होगा ये ए डी माइनस बी अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है एक्स माइनस आयोटा वाई, दोनों और का स्क्वायर कर स्क्वायरिंग और फाइव, क्या करेंगे दोनों साइड का हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका जब स्क्वायर करें क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई होगा टू एक्स, यही होगा ना, जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ठीक है, क्लियर है, हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया कम कैरी ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ साइड ठीक है, क्या करेंगे इससे क्या रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आया रियल पार्ट इसका ये है ना, ये इमेजनरी है, इसका रियल पार्ट ये है और इमेजनरी ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू क्या आया ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हमें दो चीज़ें प्राप्त हुई हैं एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक माइनस टू एक्स, इसे माइनस को यहाँ से हटा के चलो यहाँ लगा लो, इसका कोई वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमें प्लस वन, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में कैसा साइन है प्लस वन और यहाँ पे क्या है माइनस, इसका एक तरीका है देखिए, अगर हमें ए माइनस बी दिया है ठीक है और निकालना क्या हमें ए प्लस बी, तो हम ए प्लस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका अगर स्क्वायर करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी आऊगा ये तो ठीक, इसमें अगर टू जोड़ दो और टू घटा दो टू ए बी एड कर दो और टू ए बी घटा दो
इनको मैं अलग लिख दूँ और इसको उसके साथ लिख दूँ, तो इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकता, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस फोर ए, लिख सकता हूँ। तो इसी टर्म में अगर ए को रिप्लेस कर दूँ एक्स स्क्वायर से और बी को रिप्लेस कर दूँ वाई स्क्वायर से, ए को किससे रिप्लेस करूँ एक्स स्क्वायर से और बी को वाई स्क्वायर से, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया ना, तो क्या हो जाएगा ये एक्स की फोर प्लस वाई की फोर, नहीं डायरेक्ट लाइन तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर, और लिख सकता नहीं। अगर इस रिलेशन में ये वाला जो रिलेशन एक्स की जगह ए की जगह एक्स रखूं बी की जगह वाई रखूं, तो क्या ये नहीं होगा भाई हमारा ये ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू आया, इसके स्क्वायर बराबर ये है, ए को तो मैंने एक्स स्क्वायर से चेंज कर दूं और बी को वाई स्क्वायर से, तो क्या ये कंडीशन बनेगी, नहीं बनेगी, देखो बनेगी नहीं। अब इनकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का, ये हो गया ना प्लस। अब ये क्या है माइनस टू एक्स वाई की पावर पता है हमें, या टू एक्स वाई ले लो इसको, मैं एक्स वाई का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और टू एक्स वाई की वैल्यू क्या है माइनस माइनस आएगा माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने के, ये तो प्लस रहेगा तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल, ठीक है इसका होल स्क्वायर बोलिए, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए बी सी डी, ठीक है अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये प्लस ही हो जाएगा ना सारा, तो यहीं पे लिख देता हूँ उसका प्लस करके मैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी, ठीक है इस टू ए बी सी डी से टू ए बी सी डी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं होने बी स्क्वायर सी ए डी बी सी ए डी बी सी प्लस के है ना दोनों, ये क्या आया हमारा ए सी प्लस बी डी वो है ए डी माइनस बी सी, ए सी प्लस बी डी ये ए सी प्लस बी डी है, ठीक है ये है ना ए सी प्लस बी डी, याद रखो बी डी वीडियो क्या होगा बी स्क्वायर और टू ए बी सी डी का स्क्वायर, ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ तक, कहाँ तक समझ में आया तो तारा यहाँ तक आ गया। अब इससे कैंसिल हुआ इसके और इसको, इसको और इसको ज्वाइंट करेंगे, क्यों करेंगे हमें पेयरिंग सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाली बतानी है, क्योंकि वहां पे देखते हैं सी स्क्वायर डी स्क्वायर की पावर एक ही है और यहाँ होल स्क्वायर हो गया, तो अगर हम इस टर्म को ऐसे लिख लें ए स्क्वायर सी स्क्वायर इसके साथ लिख लें प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल
होल स्क्वायर, इन दो में से क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर, क्या बचा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन आएगा बी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकलो या सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर निकलो, अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर से सारा क्या कॉमन आएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा बी स्क्वायर, अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आया। लिखना है सी ना कंपेयर किए, तुलना करने को
अभी ये है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर निकालना। ये दिया क्या वैल्यू आई हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तो आएगी, एक्स वाई की आएगी। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए हम ए प्लस बी को होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्लस की वैल्यू निकालने के लिए अगर माइनस की और इसकी वैल्यू है तो हम प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ निकाल लिया हमने, यहाँ पे वैल्यू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमने रिप्लेस कर दी, तो देखो ये फॉर्मेट बनेगा। इसकी भी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, बस ये वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। क्या कह रहे हैं? एक साल तो मान लीजिए, हमारे बिल्डिंग बन रही है। वो किसकी बनी चाहिए? जीआईसी की, किसी की बन रही है। किसकी? किसी जीआईसी की। किसकी? कॉलेज की। मेरे बच्चे कॉलेज की। हाँ, ये इंटर कॉलेज तक की बिल्डिंग होगी। देखिए, एक क्वेश्चन आपका है जेड वन इक्वल टू टू माइनस आई, जेड वन इक्वल टू टू माइनस आयोटा। जेड टू इक्वल टू वन प्लस आयोटा फाइंड जेड वन माइनस जेड टू माइनस वन अपॉन जेड वन माइनस जेड टू माइनस जेड टू प्लस वन। ठीक है, वो इसका मान। ठीक है, देखिए बात लिखिए। देखिए, जब किसी चीज़ का वो मोड निकलवा रहा तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा किस फॉर्म का होता है, ए प्लस आयोटा बी के। ये कहीं हमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में पहले बनाना है। जेड वन और जेड टू की इसमें वैल्यू रखेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, जेड वन की वैल्यू क्या है, टू माइनस आयोटा, इसकी क्या है, वन प्लस आयोटा,
और प्लस वन, ठीक। जेड वन की वैल्यू टू माइनस आयोटा माइनस वन माइनस आयोटा और प्लस वन, वन से तो वन कैंसिल हो गया, वन टू टू फोर, क्या आया फोर माइनस आयोटा से आयोटा कैंसिल, फोर अपॉन टू माइनस टू आयोटा, और ये सारा का सारा की चीज में है मोड में, तो क्या आएगा फोर अपॉन टू इंटू वन माइनस आयोटा, टू टू जा फोर, टू अपॉन वन माइनस आयोटा का मोड, ठीक है। अब जब टू है तो बाहर ही आ जाएगा क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब हमें मोड निकालना वन माइनस आयोटा। अब जब हर में है या डिनोमिनेटर में है तब तक इसका पॉसिबल नहीं, हमें कहाँ लेकर जाना पड़ेगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे हम इसमें ऊपर नीचे इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा ये वन प्लस आयोटा जी को तो रहेगा अपॉन में वन माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो वन माइनस वन क्या देगा वन प्लस वन यानी कि, ठीक है इस टू को भी बाहर ले आओ तो वन प्लस आयोटा, ठीक है टू से तो टू कैंसिल हो गया, इसका क्या होगा मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है वन प्लस वन एक क्वेश्चन है आपका ए प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस एमटा का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, थ्रू दैट क्या करना हमें स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर आपको टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल, ठीक है यही इतना क्वेश्चन है। चलो ए प्लस आयोटा बी का जो गिवन है क्योंकि
दिया हुआ है। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर या स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन माइनस आई डॉट ठीक अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस आई डॉट टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, एक और टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और बी इक्वल टू क्या आएगा, टू एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, ए बराबर आ गया, बी बराबर आ गया, फाइंड आउट क्या करना हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस बी वाले वैल्यू इसका होल स्क्वायर, ये तो करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर टू एक्स का स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, यहाँ क्या आएगा, ये स्क्वायर होल स्क्वायर होल उसका एक्स की पावर फोर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर आएगा, ये प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा, प्लस का टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की फोर प्लस वन प्लस टू स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है, और ये नीचे टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, शायद यही सिद्ध करना था। ठीक है,
है हमारा z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड रियल पार्ट z1 का, दूसरा इमेजिनरी पार्ट हो वन अपॉन जेड। ठीक है, ये तो मुझे लगा शुरू शुरू भी नहीं किया होगा उससे, या कर लिया थोड़ा हो तो क्या। नहीं हमें करना क्या है, इन सब की कैलकुलेशन करके जो आएगा उसका रियल पार्ट निकाल, समझा। z1 और z2 की तो मल्टीप्लिकेशन होती है, और जो इसका कंजुगेट है उससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसी का हमें रियल पार्ट निकाल। सबसे पहले हम z1 और z2 निकालते, क्या होगा 2 दुनी, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है AC माइनस BD आएगा ना, AC क्या है 2 दुनी 4। ठीक, उसके बाद माइनस ये कंजुगेट है z1 का। कंजुगेट का मतलब पता क्या है, कंजुगेट का मतलब ये है कि अगर z1 यहाँ दिया हुआ 2 माइनस आयोटा है, तो z1 का जो कंजुगेट है वो 2 प्लस आयोटा। कैसे कट जाएंगे, ठीक है। और z2 क्या दिया हुआ हमारा, -2 प्लस आयोटा। अब जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं ABCD करके, AC माइनस BD आते हैं ना, हम थोड़ा प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए सीधी बात यह है कि डायरेक्ट रखें कि मल्टीप्लीकेशन ही करो, z1 z2 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और -2 प्लस आयोटा। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं ये तो क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये ऐसा नहीं होगा, -2 माइनस आयोटा का स्क्वायर स्क्वायर ओपन कर लेना इसका, 2 का 4 प्लस i² होगा, स्क्वायर का फिर क्या हो जाएगा -1 और -4 आयोटा, 4 में से 3, 3 माइनस 4 आयोटा या -3 प्लस 4 आयोटा, ये किसका है z1 z2। z1 कंजुगेट क्या है ये, तो अब हमें निकालना z1 z2 अपॉन z1 के कंजुगेट, ठीक है, -3 प्लस 4 आयोटा। z1 z2 की वैल्यू आई, z1 का कंजुगेट क्या है 2 प्लस आयोटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2 माइनस आयोटा की, इसकी मल्टीप्लीकेशन 3 दुनी 6, 4 एकम 4, माइनस के तो कितने हो जाएंगे प्लस के, और 3 और i कितने हो जाएंगे 3 i, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 8 i। ठीक, अपॉन 4 माइनस i² i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो कितना हो जाएगा प्लस 1, तो क्या आया 6 में से 4 गए -2, 8 और 3 11 आयोटा अपॉन 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5 आयोटा। अब ये इक्वेशन है, तो उसका जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ओ z1 z2 अपॉन z1 का कंजुगेट क्या है, -2।
इसका मेजर निकाल दो आप। तो कंजुगेट है सर, Z1 के ऊपर बार का निशान लगा हुआ ना, इसका मतलब तो इससे तो पता लगता है कि कंजुगेट है ये। सिंपल है, ये कंजुगेट है। क्या नाम तुम्हारा? सचिन कुमार। पेपर ऑनलाइन था ऑफलाइन था? ऑफलाइन नहीं मिलने का पेपर मिलता नहीं ना, तो फिर आप एक काम करो, मैं बुक से ही करा देता हूँ। सर ठीक है, ये तो अभी छोड़ दो, ये जब कराऊंगा जब बाद के लेक्चर होंगे ना तब पूछ लेना। ठीक है, अब तो मैं परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू कर रहा हूँ, और इसमें एक काम करो, हिंदी की बुक तो आपको होगी ना, मैं इसकी परमोटेशन कॉम्बिनेशन की गणित की बुक है ना हिंदी वाली, वो लेकर आना कल से, वो भी लाना, और इसे फिर आप जो है घर पे पढ़ाना, उसे ले आना कल से। कर्म के संचय, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन,
इसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्म चय और ठीक है। कर्म चय और कर्म चय का मतलब एक तरह से आपका अरेंजमेंट क्या है, किसी भी चीज का अरेंजमेंट ठीक है। संचय का मतलब एक तरह से हमारा संरक्षण, यानी कि चुनाव करना, चुनाव ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था करना, व्यवस्था लेकिन चीज का अरेंजमेंट। अब क्या कर्मचय है, क्या संचय है? कर्मचय को अगर हम देखें, कर्म इसका मतलब, इसका मैं अगर संधि विच्छेद कर दूं, कर्म जमा चय का मतलब सीधा हुआ है चय, यानी कि जब हम चयन कर रहे हैं तो इसमें कर्म यानी कि ऑर्डर का ध्यान रखा जाए, ऑर्डर जो है इम्पोर्टेंट ठीक है। ऑर्डर क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसमें जो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट नहीं ठीक। कैसे? सपोज करो आपके पास एक सेट ए है जिसमें तीन एलिमेंट हैं ए बी सी ठीक। अब मैं कहूं कि इनमें से तीन में से दो दो अव्यय लेकर, अव्यय लेकर बने क्रमचय, क्रमचय मतलब एक तरह से जोड़े बनाने, दो दो को लेकर क्या हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है, और ए सी। क्योंकि इसमें ऑर्डर क्या है, इसमें ए पहले है, इसमें ए बाद में, इसमें बी बाद में है, इसमें बी पहले है, तो ये दोनों जो क्रमचय अलग अलग हैं सेम नहीं है। तो अगर हम इन क्रमचयों को देखते हैं, इनकी संख्या कितनी आई? छः। यहीं पे अगर मैं बात करूं इसमें संचय कितने आएंगे, संचय जब होंगे तीन में से दो दो लेने पर, तीन में से दो दो ले लेने पर क्या होगा? ए बी और बी ए एक ही माना जाएगा, समझ रहे? वहां संचय में ए बी और बी ए अलग नहीं होंगे, वो ए बी वही है और बी ए भी, क्योंकि उसमें दोनों डिजिट सेम है। तो यहाँ पे जो संचय बनेंगे ए बी बी सी और सी ए, यानी कि तीन होंगे। इसी कारण जो है किसी दी गई एन असमान वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं लेकर बने, जो क्रमचयों की संख्या होती है, सेम चीज अगर उतनी ले रहे हैं हम, वो हमेशा ग्रेटर देन होती है संचय, समझ गए ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के दौरान आपको ध्यान रखना है, इसे नोट कर लो, क्योंकि ये कंपेयर किसमें और प्राइस तक है। अरे नहीं कर, कितने कुछ टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? तीस में, 30 में से कम से कम तो दो दो या तीन क्वेश्चन कम समझ रहे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इसकी बना ली होगी वहां। अगर आपको दे रहा हूँ दो ठेले हैं, एक में लाल गेंद है, एक में काली गेंद है, किसी एक ठेले में से एक लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी? तो पहला वहां क्या करेक्ट संचय लग रहा है, हमारे आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30 ही टॉपिक है ना इतने ही। तो अगर एक टॉपिक से दो या तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लेकर आना नहीं से कर मिले ठीक है।
एक हमारा है गणनाफा सीता, गणनाफा क्या है गणनाफा मून सीता। यदि एक कार्य एम विधि से जा सकता है तथा जा सकता है दोनों पार एक साथ, दोनों पार ये एक साथ एम गुणा एन वीडियो ठीक है। एग्जाम्पल समझ, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी, एक आदमी है वो ए से सी तक उसको जाना है, जाना कहाँ है उसे, ए से सी तक जाना। अब उसके सामने ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं, ए से बी तक जाने के कितने तरीके हैं उसके पास, तीन। और बी से सी तक कितने हैं, बी से सी तक जाने कितने रास्ते हैं, एक दो तीन चार। तो ए से सी तक कुल कितने तरीके से जा सके, ए से सी तक कितने तरीके से जा सकता है वो, तीन गुना चार अर्थात 12 तरीकों से जा सकते। कैसे जा सकता है 12 तरीके से, मान लो पहले वो इस रास्ते से लेगा ए से बी तक, तो इस रास्ता पकड़ा, फिर बी से उसने इस रास्ते से जा सकता है, इससे आया फिर इससे जा सकता है, इससे आया फिर इससे जा सकता है, इसी रास्ते से आया फिर वो इससे जा सकता है, ठीक। फिर इसने इस रास्ते से आया, फिर यहीं से वही चारों में वो इसी से जा सकता है, फिर ये इस रास्ते से आया, फिर इससे भी जा सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो टोटल को 12 रास्ते से जा सकता है, यानी कि एक तरह से एक काम जो हुआ एम तरीके से हुआ,
दूसरा काम एन तरीके से हुआ, तो टोटल काम यानी कि ए से सी तक काम दोनों होने, उसे यहाँ ए से सी तक पहुंचना है, तो कुल कितने विधियों से हो सकता है वो एम गुणा, ठीक है। आप वो कह रहे ना ऑनलाइन हुआ ऑफलाइन में कैसा रहा आपने पता नहीं चला। नहीं बस है ना, पहले ऑनलाइन हो गया था, अभी ऑनलाइन कर दिया। मैं कोर्स के साथ तो कुछ बहुत कम है ना, एनडीए में ठीक है, एनडीए में 120 सूचना होते हैं। हाँ वो आईआईटी का जे जे ही है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। देखिए यूपीएससी का अलग चीज, यूपीएससी का कोई दायरा नहीं है। अरे भाई आईआईटी का एग्जाम और आईएएस बराबर है, आईआईटी का अपना दायरा है, आईएएस का कोई दायरा ही नहीं है। वहाँ आपको क्वेश्चन कहाँ से मिला कुछ पता नहीं लगता, यही तो आपके सिलेबस से बाहर नहीं जा सकता ना। और अब दूसरा ये है कि उसके मेथड अपने फिक्स हैं, कोई नया मेथड थोड़ी लेकर आएगा वो। क्या वो कम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट मैथ के हैं उससे बाहर थोड़ी चले जाएंगे वो। दूसरा मैथ का जो आंसर है वो आंसर है, उसमें तो कोई नहीं कह सकता भाई ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। उसका रीजन ये है कि वो स्टूडेंट बन जाता है आईआईटी वाला बच्चा, वो पढ़ सकता है बैठ कर 8-10 घंटे, 6-7-8 घंटे तो आपको मिनिमम मेहनत करनी ही पड़ेगी। बट मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है ना, प्रैक्टिस तो करनी ही होगी, बिना प्रैक्टिस के थोड़ी पॉसिबिलिटी है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन मैं हमको और सब्जेक्ट चल रहा हूँ।